कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के आवाम को और प्रदेश के लोगों को इकट्ठे लेकर आगे चलने में सक्षम है और मजबूती के साथ जो वीरभद्र सिंह सरकार द्वारा जो कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर अद्भुत विकास कार्य किए गए हैं उनको लोगों के बीच ले जाने का कार्य करेंगी और सही रूप से बहुत से मॉडलों की बात आज प्रदेश में करी जा रही है, मगर जो सबसे कामयाब मॉडल हिमाचल प्रदेश में रहा है वो हिमाचल प्रदेश का वीरभद्र सिंह विकास मॉडल है और उसको आगे ले जाने का कार्य हम सब मिलकर करेंगे। और जो दुर्गम क्षेत्र है, पिछड़े हुए क्षेत्र है, कर्मचारी है, बागवान है, किसान है, कर्मचारी है, आज सब लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। तो मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने एक सकारात्मक भूमिका जो है विपक्ष के रूप में निभाई, जो हमारे आउटगोइंग PCC अध्यक्ष है कुलदीप राठौर जी, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है और उसी भूमिका को आगे ले जाने का काम श्रीमती प्रतिभा सिंह करेंगी और सभी वरिष्ठ नेता उनके साथ मिलकर, चाहे हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है जिनको जो है कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, नेता प्रतिपक्ष को फिर से वही जिम्मेवारी दी गई है, और भी जितने वरिष्ठ नेता को जबकि सबकी नियुक्तियां हुई है, एज अ कलेक्टिव टीम हम काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाने का कार्य करेंगे। इसके लिए हम पुरजोर प्रयास, सब लोग, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं मिलकर इसको पूरा करने का प्रयास करें। एज ए यंग लीडर ऑल्सो बिलोंगिंग टू वीरभद्रा फैमिली, आप अपना रोल कहाँ देखते हैं? अगर हम कैंपेन की दृष्टि से देखें, BJP हैज स्टार्टेड इट्स कैंपेन विद इट्स नेशनल प्रेसिडेंट, एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी हैज ऑल्सो एंटर द स्टेट, अरविंद केजरीवाल दो बार हिमाचल आ चुके हैं, बट कांग्रेस पार्टी इज लैकिंग बिहाइंड इन कैंपेन। नहीं, आई एग्री विद यू कि हमको अग्रेसिवली जो है वो ढाई की चाल पर चलते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और हमको किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हमको ज़मीन स्तर पे उतरकर, ऐसा नहीं है कि हमने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व है, वो बोलते हैं वो बोलते रहे, मगर उनको पता है अभी 4 महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी 4 चुनाव जीती है, लोकसभा जीती है और साथ ही साथ 3 और जीती है। तो हमारा कांग्रेस पार्टी का मनोबल पूरे तरीके से बढ़ा हुआ है, बना हुआ है और उसको और मजबूती से आगे ले जाने का हम काम करेंगे। ये ज़रूर है कि जो कुछ इलाके जहाँ पे एक्टिविटीज़ कम है उसको और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे, धरातल पे काम करेंगे और जो हमारा लड़ाई लड़नी है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़नी है, इसलिए उनका हौसला अफजाई करेंगे, सही दिशा पर उनको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और जैसा मैंने कहा कि सब लोगों को साथ ले जाकर पार्टी को जिताने का एक सामूहिक प्रयास जो है वो कलेक्टिव एफर्ट के साथ किया जाए। तो ये थे विक्रमादित्य और आज आप देख रहे हैं हॉली लॉज की ये तस्वीरें, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं बधाई देने के लिए। उन्होंने कहा कि वो हाईकमान का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने एक महिला को यहाँ मौका दिया है, प्रदेश की जिम्मेदारी यहाँ पर दी है और सभी को साथ चलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है, इस तरह से विक्रमादित्य ने यहाँ पर किया है। तो ये जो तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं हॉली लॉज की, ये तस्वीरें लाइट हो गया, 5 मिनट लगने हैं वहाँ पर, हो जाए खड़े होके कर लेंगे। बहुत ठीक है।